नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। समारोह में भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों के योगदान को बताया अहम। कहा, हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून का रिश्ता देखते हैं। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सड़कों पर लगा कूड़े का अंबार। 3 महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जगह जगह घूमकर हालातों का लिया जायजा। नोटबंदी के बाद अब बैंक खातों में काले धन जमा करने वालों की खैर नहीं। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों से 1 अप्रैल से लेकर 9 नवंबर 2016 तक बचत खाते में जमा राशि की मांगी रिपोर्ट। सरकार ने सभी बचत खाते के लिए पैन नंबर देना किया जरूरी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का दावा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिसकर्मियों ने 16 आदिवासी महिलाओं का किया बलात्कार। नोटिस जारी कर राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा सांसद अमर सिंह को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। अखिलेश गुट ने इसे सपा पार्टी को तोड़ने का इनाम बताया। सीआरपीएफ के 2 दर्जन कमांडो के घेरे में रहेंगे अमर सिंह। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा सीटों की चौथी लिस्ट की जारी। 101 प्रत्याशियों में से 9 मुस्लिम और 20 दलित उम्मीदवारों को दिया टिकट। अब तक 403 में से कुल 401 उम्मीदवारों का हो चुका है ऐलान। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।